तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं। मामा मैं थक गई हूँ, मुझे और काम नहीं करना। क्यों बेटा, क्यों नहीं करना? मामा मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है, मैं बहुत थक गई हूँ। आप देख रही हैं मैं कब से होमवर्क कर रही हूँ, लेकिन ये खत्म ही नहीं हो रहा। बेटा इसलिए कि आपकी स्पीड बहुत स्लो है, थोड़ा जल्दी जल्दी होमवर्क करो, खत्म करो इसे। चलो मामा, घर में कितनी उदासी हो गई है ना। तलहा भैया भी चले गए और बाबा भी घर पे नहीं है। बेटा तलहा मेहमान था और मेहमान एक ना एक दिन चला जाता है, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? और बाबा? बाबा आ जाएंगे। मामा मुझे बाबा से बात करनी है। हाँ मामा मुझे भी बाबा से बात करनी है, बाबा को कॉल करें ना। नहीं बेटा अभी नहीं, अभी बिजी होंगे ना, अभी नहीं कॉल करते। नहीं मामा, बाबा ने कहा था हमारी कॉल से डिस्टर्ब नहीं होते, तो हम उन्हें कॉल कर सकते हैं ना। हाँ मामा बाबा को फोन करें ना प्लीज। करती हूँ। फोन बंद है बाबा का। हम अब बाबा से कभी बात नहीं करेंगे, बाबा हमेशा मुझे और मिनी को काम में भूल जाते हैं। और मैं भी बाबा से बात नहीं करूंगी। मेरी शायरी भी तुम, मेरी गजल भी तुम। अच्छा बस बहुत हो गया। तुम्हें पता ही नहीं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जब तुम मेरे सामने होती हर तरफ तुम्हें तो, तुम्हें तो, तुम्हें तो। अच्छा और जब सामने नहीं होती तब? तब इस जादू का सहर रहता है और मैं इस सहर से निकलना नहीं चाहता। जी अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मामी, बिल्कुल खैरियत से। आप बताएं आपने कैसे याद किया? वो वकार भाई अजमेर फोन नहीं अटेंड कर रहे थे, सोचा आपसे पूछ लूं। ठीक है वो? आपने बिल्कुल ठीक किया भाभी, अभी कुछ देर पहले मेरी अजमेर से बात हुई, वो आज रात आ रहा है। अच्छा 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 ठीक है ठीक है, थैंक यू वकार भाई। ओके यानी अजमेर जानबूझकर मेरी कॉल नहीं अटेंड कर रहे। खैर अब तलहा मेरी जिंदगी से जा चुका है, सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाएगा। अजमेर के दिल में अगर मेरे लिए जगह ना होती तो वो कभी भी मेरी बात ना मानते, और मैं उन्हें एहसास दिलाऊंगी कि यही दुरुस्त फैसला है हमारे रिश्ते के लिए, इस घर के लिए और मायरा मिनी के लिए। मामा आपने बाबा को फोन किया था, आपने मेरी बात क्यों नहीं कर पाई? आ रहे हैं ना बाबा, जितना दिल चाहे बातें कर लेना। मामा कितना मजा आएगा ना, हम लोग इतने दिनों बाद प्लेन जाएंगे। मामा और मैं अपनी फेवरेट आइसक्रीम भी खाऊंगी। ठीक है भाई खा लेना। काश तला भी होता हमारे साथ। मायरा कितनी दफा बताऊं, तला मेहमान था चला गया,
आइंदा मैं उसका नाम ना सुनूं। जाकर टीवी देखो, मैं भी चेंज करने जा रही हूं। कब तक आएंगे? आपने बोला था जल्दी आ जाएंगे, लेकिन अभी तो बहुत देर हो गई है। मामा मुझे भी बहुत भूख लग रही है। मेरा फ्लाइट तो आ गई थी, काफी देर हो गई, बस आने वाले होंगे। बाबा आ गए, आ जाओ। बाबा आ गए, आ गए बाबा। चलो आपको रूम में चलो, मैं आता हूँ। काफी देर से वेट कर रहे थे, इतनी कॉल्स की, एक भी अटेंड नहीं की। मसरूफ था। अब मैंने तुमसे कब कहा था कि मेरा इंतजार करो? कहा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा बच्चों को डिनर पर लेकर चलते हैं। करो प्लीज, मेरे समंदर द्वारा में आराम कर जाओ। सुबह सुबह क्यों उठ गए? वो आप मेरे रूम में पानी की बोतल रखना भूल गई थी, तो मुझे प्यास लग रही थी। आप रो क्यों रही हैं? किसका फोन था? अरसलान का। अब क्या कहा उसने? मेरे ख्याल में अरसलान ने जो कुछ भी कहा वो ऐसा गलत भी नहीं है। क्या कहा उसने? मुझे आपसे बात करनी है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? नहीं बेटा, दरअसल वो हम ये जानना चाहते हैं कि मेरा आखिरी फैसला क्या है। यही ना? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं।
तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ। मुझे आपसे बात करनी है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। कि मुझे सवालों का जवाब चाहिए। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अब जब सब ठीक हो रहा है हमारे बीच, तो दूरियों को क्यों बढ़ा रहे हैं? मैं दूरियां बढ़ा रहा हूँ? हमारे बीच दूरियों की वजह तुम हो। मैं? हाँ तुम। गलती मेरी थी, सजा मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन तुम नफरत और अना की आग में इस कदर अंधी हो चुकी थी। तुमने ये तक नहीं सोचा कि वो बच्चा मासूम अकेला वहां कैसे रहेगा। तुम एक माँ हो, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ? आपको एहसास है मेरे दुख का, मेरी तकलीफ का? किस कब से गुजरी हूं मैं, ये एहसास है आपको? एहसास था तभी तुमसे माफी मांगी, हाथ जोड़े, मिन्नतें की, मैंने अपनी गलती का एतराफ किया। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था, चाहता सब कुछ संभालू, मगर तुमने हर कोशिश के बदले मुझे सिर्फ नफरत दी, मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया, तन्हा का मुजरिम बना दिया तुमने। मेरी मोहब्बत और मेरी वफा का ये सिला दे रहे हैं? तला यहां से खुद गया है, किसी ने मजबूर नहीं किया। तुम्हारे रवैये की वजह से उसने ये फैसला किया है। तो क्या करती? क्या गलत किया मैंने? दूसरी औरत की निशानी को नजरों के सामने कैसे रखती? दूसरी औरत की निशानी के होने के साथ साथ वो मेरा बेटा भी है, ये बात तुम बदल नहीं सकती। अच्छी तरह जानती हूँ, कुछ भी नहीं बदल सकती, ना आपके धोखे को, ना आपकी बेवफाई को। आलिया से बात करें। तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रहा हूँ? आलिया तुमसे बात करना नहीं चाहती, इसलिए बार बार फोन करके हमें बेमकसद परेशान मत करो। मैं सब जानता हूँ, आलिया मुझसे बात नहीं करना चाहती या आप लोग उसकी मुझसे बात नहीं कराना चाहते? आलिया कोई छोटी बच्ची नहीं है। क्या हम उसे रोक देंगे और रुक जाएगी? ये तुम्हारा रवैया है जो उसे सब कुछ करने में मजबूर कर रहा है। आलिया को बहका रहे हैं आप लोग, दिमाग खराब कर दिया आपने उसका, वरना उसकी हिम्मत कि वो मेरी बात ना सुने। तुम क्या समझते हो, तुम उसे जुल्म करते रहोगे और चुपचाप बर्दाश्त करती रहेगी? वो एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, गलत को गलत कहना जानती है वो। बस बस, ये लेक्चर किसी और को दीजिएगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, देख लूंगा आप लोगों को। कब तक छुपा के रखेंगे उसे? हाँ ये मत भूलिएगा कि आलिया अभी तक मेरे निकाह में है, शरई हक है मेरा उस पर, मैं जब चाहूं उसे अपने साथ लेकर जा सकता हूं, समझे आप? देख लूंगा मैं आप।
हुआ? किसका फोन था? अरसलान का। अब क्या कहा उसने? वही एक रट, आलिया से बात कराएं। या अल्लाह, पता नहीं हमें किस गुनाह की सजा मिल रही है। मेरे ख्याल में अरसलान ने जो कुछ भी कहा वो ऐसा गलत भी नहीं है। क्या कहा उसने? भाई, उसकी बीवी तो है ना, अभी तक उसके निकाह में, और ये हकीकत हम झुठला नहीं सकते। मेरे ख्याल में हमें जल्द से जल्द इस सिलसिले में कोई कदम उठाना होगा, और फैसला करने में मजीद वक्त नहीं लगाया जा सकता। आलिया अपना फैसला सुना चुकी है, मेरा ख्याल है कि इसमें मजीद किसी और बात की कोई गुंजाइश है नहीं। नहीं, लेकिन एक दफा फिर से पूछना पड़ेगा। कोई भी कदम उठाने से पहले आलिया को अपने फैसले पर नजरसानी करना होगी। जो रास्ता उसने चुना है वो बड़ा कठिन रास्ता है। मुझे एक दफा आलिया से ये पूछना है कि वो इस रास्ते पे चल भी सकेगी। बेटा हम आ जाएं? आए बाबा, आए अम्मी। आप लोग आ गए यहाँ, मुझे बुला लिया होता। नहीं बेटा, बात ही ऐसी थी कि हमें खुद ही आना पड़ा। आप दोनों मुझे परेशान लग रहे हैं। वो अरसलान का फोन आया था। ओ, इसलिए परेशान है? नहीं बेटा, दरअसल वो हम ये जानना चाहते हैं कि मेरा आखिरी फैसला क्या है। यही ना, आप दोनों मेरी वजह से परेशान मत हो। मैंने अरसलान से अलग होने का फैसला बहुत सोच समझ के किया है। मैं जानती हूँ अजमीर भाई ठीक कह रहे हैं, आप लोग उनकी बातें सुन के उलझनों में पड़ गए हैं, मगर मैं जिंदगी के जिस मुकाम पे खड़ी हूँ वहां फैसला मुझे खुद करना है, और मैं ये फैसला कर चुकी हूँ। मैं अरसलान के साथ नहीं रह सकती, हम दोनों कभी नहीं मिल सकते। बेटा, जो फैसला तुमने किया है हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। मैंने वकील से बात कर ली है, कल उससे सारे मामला डिस्कस कर लूंगा। सर, आपके लिए कुरियर आया है। तुम जाओ। ठीक कहती हो तुम, मेरी आलिया बहुत बहादुर हो गई है। वो तो हमेशा अरसलान के जुल्म सहती रही, मार खाती रही उस दरिंदा सिफती इंसान से। सीधे तरीके से इस घर से निकल जाओ, वरना मुझे और भी बहुत सारे तरीके आते हैं। क्या कर लेंगे आप, क्या कर सकते हैं? अरसलान चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, बैठ के बात करते हैं, हल निकालते हैं मसले का। ये तुम क्या बात कर रहे हो अजमीर, इससे कौन बात करना पसंद करेगा? ये इस काबिल है कि इससे बात की जाए? जिसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, जिसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं। मैंने आपका केस बड़ी बारीकी से स्टडी किया है और सारे पेपर्स भी तैयार करवा लिए हैं, आपके साइन चाहिए और मैं कार्रवाई शुरू करवाता हूँ। कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना वकील साहब? ये अरसलान बहुत शातिर किस्म का आदमी है। लताब साहब, अरसलान कितना भी शातिर क्यों ना हो वो कानून से नहीं बच सकता। इंशाल्लाह। और वैसे भी उसने आलिया के साथ जो कुछ किया है, मैं नहीं समझता अदालत खुला का फैसला लेने में ज्यादा देर लगाएगी, और हमारे पास तमाम एविडेंस भी मौजूद है। बस वकील साहब, जितनी जल्दी हो सके
हमारी बेटी की जान छुड़ा दे उस हैवान से। आप बेफिक्र रहिए, मगर हाँ मैं आलिया से चंद जरूरी बातें करना चाहूंगा। देखें, ऐसे केसेस में मर्द जब गलत साबित होने लगता है तो वो बहुत बेहुदा किस्म की इल्जामात लगाता है औरत पर। अदालत में शर्मिंदगी भरी बातें भी करता है। आपका लॉयर होने के नाते मैं चाहता हूं कि आप ऐसी सिचुएशन के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहिएगा। मैं तैयार हूं वकील साहब। अरसलान की कही किसी बात का मुझ पे कोई असर नहीं होगा। मैं अब अरसलान से नहीं डरती। आलिया ने खुला लेने का फैसला तो कर लिया, लेकिन मेरा तो ये सोच के दिल कांप जाता है कि पता नहीं कोर्ट में कैसे कैसे सवाल उठाए जाएंगे। मेरी बच्ची कैसे सामना कर पाएगी उन सवालों का? फिक्र ना करें अम्मी, जहां अल्लाह ने इतना बड़ा हौसला दिया है आलिया को फैसला करने के लिए, तो आगे भी आसानी होगी इंशाल्लाह। ठीक कहती हो तुम, मेरी आलिया बहुत बहादुर हो गई है। वो तो हमेशा अरसलान के जुल्म सहती रही, मार खाती रही उस दरिंदा सिफती इंसान से। खैर, तुम्हारे बाबा ने वकील से बात कर ली है, वो जल्द ही अरसलान को खुला का नोटिस भेज देंगे। बिल्कुल सही है, अल्लाह करे आलिया की उसे जान छूट जाए, उसने बहुत तंग किया है उसे। जी बेटा, तुम्हारे बाबा कह रहे थे कि अगर हो सके तो तुम और अजमीर हमारी तरफ आज चक्कर लगा लो, उन्हें आलिया और अरसलान के बारे में कुछ बात करनी है अजमीर से। अम्मी, अजमीर को आजकल ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होता है, मैं आ जाऊंगी। अम्मी मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, खुदा हाफिज़। तुम शाम में तैयार हो जाना, ऑफिस से आने के बाद तुम्हें ले चलूंगा। देखिए जी आबिद साहब, आई एम रियली सॉरी, मैं आप मुझे दो चार दिन दें, मैं आपको एक फ्रेश चेक बना के देता हूँ। वो एक्चुअली यहाँ मसले चल रहे हैं और आई एम रियली सॉरी। हाँ जी, थैंक यू, खुदा हाफिज़। सर आपके लिए कुरियर आया है, तुम जाओ। आलिया की इतनी हिम्मत, आलिया आलिया बाहर आओ। तुम्हारी जुरत किस तरह उस घर में घुसेगी? कहां छुपा के रखे है मेरी बीवी को, बुलाए उसे बाहर। शराफत से बात करो, शरीफों का घर है ये। ये आपकी शराफत है कि मेरी बीवी को छुपा के रखा हुआ आपने? तुम शायद भूल रहे हो अरसलान,
तुम्हारी बीवी होने से पहले आलिया हमारी बेटी भी है। सीधे तरीके से इस घर से निकल जाओ, वरना मुझे और भी बहुत सारे तरीके आते हैं। क्या कर लेंगे आप, क्या कर सकते हैं? अरसलान चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, बैठ के बात करते हैं, हल निकालते हैं मसले का। ये तुम क्या बात कर रहे हो उजमीर, इससे कौन बात करना पसंद करेगा? ये इस काबिल है कि इससे बात की जाए? अरे आपसे बात भी कौन करना चाहता है? अरसलान मैं बात कर रहा हूँ ना। अंकल आंटी हमें बात को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि मजीद खराब करें। अरे ये क्या संभालेंगे बात को, ये तो मेरी आलिया से तलाक करवाना चाहते हैं। मैं आलिया को तलाक कभी नहीं दूंगा। तुमसे तलाक कौन कौन रहा है? हुल्ला का केस मैंने किया है कोर्ट में, मैंने। सारी दुनिया को तुम्हारी असलियत बताऊंगी, सबको बताऊंगी कि तुम्हारी मर्दानगी सिर्फ औरत पर हाथ उठाने तक महदूद है। हाथ मत लगाना मुझे, हाथ मत लगाना, छुआ भी ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगी तुम्हें। आलिया किस तरह बात कर रही हो तुम, होश के नाखून लो, क्यों अपना घर बर्बाद करने पे तुले हुए तुम लोग? जिन घरों में रिश्तों का खून किया जाए उन घरों को नहीं बचाया जा सकता। आप लोगों को क्या लगता है कि आप मुझे हरा सकते हैं? देख लूंगा मैं सबको, आलिया मेरे साथ ही जाएगी, देख लूंगा मैं। निकल जाओ। देख लूंगा मैं तुमको, मैं करूं तुम्हारा यहां से। परेशान मत होना, हम है ना तुम्हारे साथ, मत होना परेशान, हम है तुम्हारे साथ। सारी दुनिया को तुम्हारी असलियत बताऊंगी, सबको बताऊंगी कि तुम्हारी मर्दानगी सिर्फ औरत पर हाथ उठाने तक महदूद है। हाथ मत लगाना मुझे, हाथ मत लगाना, छुआ भी ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगी तुम्हें। आलिया किस तरह बात कर रही हो तुम, होश के नाखून लो, क्यों अपना घर बर्बाद करने पे तुले हुए तुम लोग? जिन घरों में रिश्तों का खून किया जाए उन घरों को नहीं बचाया जा सकता। क्या हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? ये सवाल तुम पूछ रही हो। अरसलान जैसे लोग सिर्फ धमका सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बेटी। अरसलान की क्या मजाल कि मेरे होते हुए उसकी तरफ आंख उठा के भी देखे। अरे अभी मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ मैं। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करते हैं आप। तला? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं खाने आया आप, बच्चियां पूछ रही थी। सर में दर्द हो रहा है। सर दबा दो। जरूरत नहीं है। क्या हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? ये सवाल तुम पूछ रही हो। मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। आप, मैं, हमारी बेटी कर। मैं भी यही चाहता हूं। तुम, मैं,
मेरी बेटी। मेरा बेटा तला एक मुकम्मल हस्ता बस्ता घर। इतनी हिम्मत नहीं कि वो ये कदम उठा सके। जरूर इसके पीछे इसके बाप का और इसकी मकरूर बहन का हाथ है। और मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं? एक शख्स है जो शायद मेरी मदद कर सके। मुझे तो डर है कि खुला का नोटिस मिलने के बाद अरसलान कहीं आलिया को कोई नुकसान न पहुंचाए। क्यों परेशान हो रही है मैं? अरसलान जैसे लोग सिर्फ धमका सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बेटी। अरसलान की क्या मजाल कि मेरे होते हुए इसकी तरफ आंख उठा के भी देखे। अरे अभी मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ मैं। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करते हैं आप। मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब भूल गए क्या हालत की थी उसने हमारी बच्ची की? उसने जो भी किया वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी बेटी कमजोर थी। अम्मी चुपचाप मैं अरसलान के जुल्म सहती रही, मगर अब मैं उसके हर वार का डट के मुकाबला करूंगी। मैं शाबाश बेटा शाबाश। नहीं बाबा, इस शाबाशी की असल हकदार मैं नहीं हूं, मैं रूबा भी हूं। उन्होंने मुझे हौसला दिया कि मैं लड़ सकूं, वरना मैं आज भी अरसलान के जाल में फंसी हुई होती। बाकी मैं तो अल्लाह ताला से बस एक दुआ करता हूँ, तो मेरी बेटियों को शाद और आबाद रखे। आमीन इलाही आमीन। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। अम्मी बैठे रहो, चाय भी मैं बनाऊंगी और रात का खाना। ओ मेरी बच्ची, जीती रहो माशाल्लाह। अल्लाह मेरी बच्ची ऐसी हंसती रहे हमेशा। अल्लाह सलामत रखे। मैं पीछे को बुला के लाती हूँ। क्या हुआ? मैंने तुम्हें पनिश किया था। नो मैम, वो तला। क्या हुआ? क्या फिर जमा कर लिया तला और हिजर ने? क्या हो रही है? ये सब क्या हंगामा है? मैम मैं और ये चलते वैसे इसने बीच में टांग रखी और वो गिर गया। मैम पहले इसने को थप्पड़ मारा है। हाँ, इसने पहले मुझे थप्पड़ मारा था। चुप करो सब, तुम सब ने डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा प्रिंसिपल के ऑफिस चलो मेरे साथ। चलो चलो, आप भी चलो तला। तला तला क्या हुआ? तला डॉक्टर को बुलाओ। वॉचमैन तला तला